वेट लॉस के दौरान पराठा खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। वेलकम फूडीज टू माई यूट्यूब चैनल शी कुक्स हेल्दी एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर रागी पनीर पराठा। दिस इज हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर एंड कैल्शियम रिच। 100 ml मिल्क की बात करूँ तो उसमें कैल्शियम रहता है 121 मिलीग्राम, लेकिन अगर मैं 100 ग्राम रागी की बात करूँ तो उसमें 364 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है। ऑल्सो रागी इज अ परफेक्ट मिलेट फ्लावर फॉर द वेट लॉस। तो आइए इस रागी पनीर पराठा की रेसिपी को हम जल्दी से शुरू करते हैं। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल शी कुक्स हेल्दी। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं ले रही हूँ हाफ कप रागी का आटा, हाफ कप होल व्हीट फ्लावर, 1 teaspoon ऑफ ऑयल और थोड़ा सा नमक, और फिर हम इसमें डालेंगे गर्म पानी आटा को गूंदने के लिए। इसमें मैंने होल व्हीट फ्लावर और रागी को इसलिए मिक्स किया है क्योंकि रागी जो है वो टोटली ग्लूटेन फ्री है, और जो होल व्हीट फ्लावर है उसमें थोड़ा सा ग्लूटेन रहता है, वो बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए। सिर्फ रागी के साथ अगर मैं डो बनाऊंगी तो उससे मैं पनीर का पराठा नहीं बना पाऊंगी क्योंकि वो डो बहुत सॉफ्ट साइड पे रहता है। मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हाफ कप पानी इज इनफ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आटा अभी भी ड्राई है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि वो थोड़ा सा गर्म हो। ये देखिए जो हमारा डो है वो अच्छे से तैयार हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि ये अभी भी स्टिकी है तो हल्का सा अपने हाथों पे ऑयल लगा के आप डो को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको आप इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, आपको कोई क्रैक नहीं दिखना चाहिए उसमें। अब ये हमारा डो रेडी हो गया है तो मैं उसको कवर कर दूंगी कॉटन के क्लोथ के साथ फॉर अबाउट 20 मिनट्स। मीनवाइल लेट्स प्रिपेयर आवर स्टफिंग, जिसके लिए मैं ग्रेटेड पनीर को एक बाउल के अंदर डाल रही हूँ। यहाँ जो पनीर मिलता है वो बहुत हार्ड होता है तो मैं जनरली उसको गर्म पानी के अंदर सोक रखती हूँ फॉर सम टाइम, और फिर वो सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने उसमें डाला अनियन, हरी मिर्च और सारे स्पाइसेस जैसे कि रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, अमचूर पाउडर और अनारदाना, और ये है थोड़ा सा अजवाइन जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। अजवाइन इज़ वेरी गुड फॉर द बेटर डाइजेशन, तो मैं हमेशा अपने जो स्टफ्ड पराठा होता है उसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। और उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। लास्ट में डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, और उसके बाद हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एज यू कैन सी आवर स्टफिंग इज रेडी एंड दिस लुक्स परफेक्ट। कुछ भी अगर आपको नमक में जिसमें कम ज्यादा लगे तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम डो को अनकवर करेंगे और इसको फिर से हाथों से मसल लेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपका डो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। हार्ड होगा तो भी पराठा आपका सही से नहीं बनेगा, सॉफ्ट होगा तो वो आप बेल ही नहीं पाओगे उसको। तो अब वो जो डो है हमारा वो 4 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 45 to 50 grams का एक डो बॉल है जो मैंने यहाँ पे लिया है। मैंने मेजर कर लिया था इसको, और ये हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और जो एक बॉल थी उसको भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। मेरी माँ हमेशा इसी तरह से पराठा बनाती थी, पॉकेट पराठा, तो मैं भी यही हमेशा रेसिपी फॉलो करती हूँ उनकी वाली पॉकेट पराठा बनाने के लिए। तो जो 2 हिस्से मैंने डिवाइड किए थे उसमें से एक हिस्से को सबसे पहले हम बेल लेंगे अच्छे से। बेलने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे और दूसरा हिस्सा लेंगे और उसको भी हम अच्छे से बेल लेंगे। इतना ध्यान रखना है जब आप 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं तो जो एक हिस्सा है उसको आप थोड़ा सा बड़ा रखिए एज़ कम्पेयर टू अदर वन, और उसको आप बाद में बेलिए, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे एज़ कम्पेयर टू हमारी फर्स्ट चपाती। और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ड्राई आटा लगा रही हूँ और फिर मैं स्टफिंग लगाऊंगी। ये जो स्टफिंग है ये भी 4 पराठों के हिसाब से डिवाइडेड है, तो अगर आपको 2 पराठा बनाने हैं तो आप सारी क्वान्टिटीज़ को हाफ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम स्टफ करेंगे और उसके ऊपर जो हमने पहली वाली रोटी बेली थी उससे हम इसको कवर कर देंगे, तो ये हमारा पॉकेट तैयार हो जाएगा। जो नीचे वाला है वो बड़ा इसलिए रखना है क्योंकि हम इस तरह से उसको ऊपर वाले पराठे के साथ कवर करेंगे, और इस तरह से उसकी जो एंड्स हैं, साइड्स हैं, उसको हम अच्छे से प्रेस करके कवर कर देंगे, बंद कर देंगे।
रागी और होल व्हीट को मैंने मिक्स किया है, लेकिन फिर भी जो रागी है वो बहुत ही सॉफ्ट साइड पे रहता है, तक वो इस तरह से हल्का हल्का ड्राई आटा लगाते ही रहना है और उसके बाद आपको अपनी रोटी को बेलते रहना है। बहुत ही हल्के हाथ से बेलेगा, नहीं तो ये क्रैक भी हो सकता है, तो आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल बन रहा है बनाना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत हल्के हाथ से रखेंगे तो आप आराम से इस पॉकेट पराठा को तैयार कर पाएंगे। तो ये जब एक बार रेडी हो जाएगा तो हम उसको तवे पे डाल देंगे। पराठा बनाने के लिए मैं कास्ट आयरन पैन यूज़ कर रही हूँ, तो वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और ये मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाया है और मैं उसको पराठा के ऑपोजिट साइड पे लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको फ्लिप कर दूंगी और हम इसको दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे। हम जब पानी लगा देते हैं तो वो जो रागी है वो कास्ट आयरन पे चिपकती नहीं है, तो दैट्स द रीज़न कि मैं हमेशा थोड़ी सी पानी की बूंदें लगा देती हूँ अपने पराठे के ऊपर। तो ये देखिए, हम दोनों साइड से जो पराठा है उसको अच्छे से पका लेंगे। घी बिल्कुल भी नहीं लगाना है तवे के ऊपर, बस आपको सिंपली दोनों साइड से उसको ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए, जो रागी का पराठा है वो दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। अब आप इसके ऊपर एक चम्मच घी आराम से लगा सकते हैं। रागी का जो फ्लावर है वो थोड़ा ड्राई साइड पे रहता है, तो इसलिए अगर आप इसको सर्दियों में खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसके ऊपर आप घी ज़रूर लगाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वो घी वैसे भी हेल्दी फैट्स होता है, तो आप लगा सकते हैं। साथ में मैंने 150 ग्राम रखा है लो फैट ग्रीक योगर्ट, जो कि प्रोटीन कंटेंट को, इस पूरे मील की प्रोटीन कंटेंट को और बढ़ाता है। तो आपको ये रागी पनीर पराठा की रेसिपी कैसे लगी, आप ही मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ताकि आप मेरी तरह इस रागी पनीर पॉकेट पराठा को इंजॉय कर सकें अपने वेट लॉस मील में। अगर आप वेट मेंटेनेंस में भी हैं तो भी आप ये मील अपने वेट लॉस मील प्लान में डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी मिलेट रेसिपीज आपके लिए ला रही हूँ, जैसे कि ज्वार वेजिटेबल चिल्ला। इसके अलावा मैं मिलेट पिज्ज़ा भी आपके लिए ला रही हूँ अपने यूट्यूब के ऊपर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आने वाले हफ्तों में ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ मेरे चैनल पर आने वाली हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग योर लव।